ऐसा है कि ये जो वायरस एक जो टर्म है ये बनाई हुई है, ये जो भी बहुत सारी टर्म्स बनाई गई हैं जो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, बॉडी को उन्हें कैसे क्या चीज़ें इफेक्ट इफेक्ट करती करती हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो सब आयुर्वेद में है। तरह के बाद फिर कफ के बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, कोई भी इम्बैलेंस होता है तो उसके बाद डेंजर्स होते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ है पीटी गुरु जी एक बार फिर से, जो कि काफी खास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था और मैं भी जानना चाह रहा था इसके बारे में। आप लोगों ने काफी सालों से आजकल एक नाम काफी ज्यादा सुना होगा वायरसेस के बारे में। 2019 के बाद से तो बहुत ज्यादा ये मेन स्ट्रीम हो गया है, और अभी भी आप लोग सुन पा रहे होंगे हर दिन न्यूज में कि ये वायरस आ रहा है, वो वायरस आ रहा है। तो आखिर वायरसेस होते क्या है? और अगर हम वैदिक काल में जाएं तो पहले तो हमने कभी वायरसेस के बारे में नहीं सुना, तो ये अचानक अभी ही क्यों आ रहे हैं? तो जानते हैं गुरु जी से। हाँ, तो मॉडर्न ऐसा है कि ये जो वायरस एक जो टर्म है ये बनाई हुई है, ये जो भी बहुत सारी टर्म्स बनाई गई हैं जो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, उनमें से एक टर्म है। तो ये मेरे हिसाब से इमेजिनेशन है, फिगमेंट। तो क्योंकि हमारे और लोग इसमें इसलिए मान गए क्योंकि उनको अपने वैदिक नॉलेज में है नहीं, आयुर्वेद की नॉलेज है नहीं लोगों को, तो आजकल पता है नहीं, तो इसलिए उन लोगों को उन्होंने इस झूठ को मान लिया। क्योंकि वायरस ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है पहले, और हमारे जो आयुर्वेद में जैसे वातपित कफ होता था, ठीक है, पॉइजन्स होते थे, कीटाणु होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मगर वायरस जैसा कोई चीज ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है किसी भी वैदिक टेक्स्ट में इस टाइप की चीज का। तो और एनर्जी फील्स होती हैं कि ऐसी एनर्जी हो जिसमें कि लोग बीमार हों या अच्छे हों, मतलब रहें, और ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन वायरस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब ह्यूमन बॉडी को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो सब आयुर्वेद में है, ठीक है, उनमें कहीं पे भी वायरस कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो अब वायरस जो है वो जो कंप्यूटर वाला है, जो कंप्यूटर्स में जाता है, वो तो कह सकते हैं है एक कोई मैलवेयर सॉफ्टवेयर जो कि करप्ट करता हो किसी सिस्टम को, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वहीं का है, वो वहीं पे रहना चाहिए, वो ह्यूमन बॉडी से उसका कोई लेना देना नहीं है और वहां नहीं जाना चाहिए उसको। तो गुरुजी, जब भी जैसे लोगों को तो ऐसे लोगों से कभी बातचीत होती है, उनको बताते हैं कि वायरसेस नहीं होते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि फिर बीमार कैसे पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को वैदिक नॉलेज है नहीं। मेनली आयुर्वेद का भी अभी मजाक बन गया है बहुत ज्यादा। अभी आपको पता है थोड़े टाइम पहले नाम से भी एक वायरस चलाया गया था दुनिया भर में, जिसमें भी काफी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। मतलब तो उसके बारे में थोड़ा और गुरु जी बताइए कैसे लोग तो समझ ऐसा है पाए। कि उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि वायरस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, मैंने सीधे सीधे बोला था कि कोई वायरस जैसी चीज़ नहीं होती है। अब बीमार पड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ठीके? वो तो पूर्व कर्म हो सकता है, अभी की जो सिचुएशन है, तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा बैलेंस नहीं है, तुम्हारा जो तीन पंच महाभूत का बैलेंस नहीं है, फिर तीन तरह के बाद पित्त कफ के बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, कोई भी इम्बैलेंस होता है तो उसके बाद डिजीज होती है। तो उसके जो तरीके हैं वो आयुर्वेद में बताए हुए हैं किस किस तरीके से कोई भी डिजीज होती है। तो लोगों को जो मेन फैक्टर है अपना, उससे भागने के लिए, तुमने अपना लाइफस्टाइल तो ठीक रखा नहीं, तो ये बोलना कि वायरस से हो गया ये लोगों को अच्छा लगता है, किसी दूसरे पे वो चली जाती है, मतलब फिंगर दूसरे पे चली जाती है और अपने से हट जाता है अटेंशन, तो अपने कर्म से, तो मतलब यही हो रहा है आजकल। तो इसी में इसी का ये एक और पहलू है कि मतलब अपने जो लाइफस्टाइल है उस पर ध्यान नहीं देना, अपने अपना खान पान पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देना और बोलना है कि अब तो वायरस से हो गया, मतलब ये एक तरीके का जो माइंडसेट है उसी ने अलाउ किया है ये जो वायरस वाली चीज को बढ़ने से। और फिर लोगों को जो जो फियर है, कोई भी जैसे दिमाग में फियर है, वो बढ़ाना बहुत आसान है जबकि उनका जो कनेक्शन है वो अर्थ से ना हो, कॉमन सेंस से ना हो, रूट से नहीं हो। तो लोगों में कोई भी जैसे फियर होता है किसी भी चीज़ का, मतलब वो बोलते थे ना कि जैसे कुछ भी आ जाएगा, जैसे लोग बोलते थे ना गांव में कि अभी ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तो लोग डर जाते थे, तो ये वैसा ही सिचुएशन है। और इस तरह के डराने से टेस्ट होता है लोगों का कि किसके पास कितनी ग्राउंडिंग है, कौन कितना
जुड़ा हुआ है कॉमन सेंस से और एलिमेंट से और प्रकृति से, वो नहीं डरेगा, ठीक है। और बाकी जो जितने डिस्कनेक्टेड हैं लोग, जितने कटे हुए हैं, मतलब पंच महाभूतों से और हमारी वैदिक नॉलेज से और पृथ्वी से, वो उनको ये फियर आएगा। किसी भी चीज़ का आ सकता है, वायरस एक चीज़ है, उसमें हज़ार चीज़ों का आ सकता है, मतलब वायरस तो एक ही चीज़ है, उसमें कोई भी चीज़ का फियर आ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा मतलब फैल गई बहुत आसानी से, लोग ज़्यादातर लोग डर गए। तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से गुरुजी ने बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियरिफाई किया है। एक चीज और भी मैं बता दूं लोगों को, जिन लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप लोग प्रकृति से जुड़िए, पंच महाभूतों से जुड़िए, ग्राउंडिंग कीजिए, वैदिक नॉलेज की तरफ बढ़िए, तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। और जितने भी फंसाने हैं उसमें भी फंसेंगे नहीं आप लोग। गुरुजी एक चीज और, जैसे कि आपने कल ही मैंने वीडियो डाला था जिसमें आपने जो शनि कुंभ में प्रिडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, और लोगों ने काफी ज्यादा आप मेरे को मैसेज भेजे कि वो पूरी तरह से सही भी हो रहे हैं, तो उसमें भी लोग प्रकृति से जुड़ेंगे तभी ही सही रहेंगे। और काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि आगे अब वॉर की सिचुएशन भी बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज आगे लोगों को मदद करेगी। हाँ, इसी ये चीज मेरे, अब जितना बाहर की सिचुएशन खराब होती जाती है अपने दुनिया में, तो उतना ही लोगों को अंदर की तरफ जाकर के पुराने जो जो सनातन चीज है जो कि ब्रह्मांड में हमेशा रही है, उसी से जुड़ना पड़ेगा। एक ये तो एक प्रेशर है, बाहर से प्रेशर पड़ता है तो अंदर वाला काम करना पड़ता है, जब प्रेशर नहीं होता है तो लोग नहीं करते हैं और नहीं जाना चाहते हैं उस तरफ। अब जब प्रेशर पड़ेगा तो कई लोगों को समझ में आएगा कि हमें उस तरफ जाना ही पड़ेगा, तो ये उसका तो अब ये चांस है लोगों के पास, तो जब प्रेशर बढ़ रहा है तो ये करने का, तो इसमें देखेंगे कि कितने जो हमारे मानव हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, वो इस तरफ जाते हैं और अपना फ्यूचर बेटर करते हैं पृथ्वी पे और पृथ्वी के बाद भी, जो इस जीवन का और उस जीवन के बाद भी, तो वो भी ये देखना बाकी है। ये कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये हर एक को अपना अपना डिसीजन लेना पड़ेगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इन सभी चीजों को क्लियरिफाई करने के लिए, और मेरे ख्याल से लोगों को भी ये कॉमन सेंस आएगा प्रकृति से जुड़ने के बाद, ये सब चीजें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें फंसाने वाली, ना सिर्फ वायरसेस बल्कि काफी कुछ हैं जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो जितने भी लोग नए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी गुरुजी की, तो काफी आपको चीजें पता चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इस सही नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए।